वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो वेल इस वीडियो में बात करने वाले कि क्लैश ऑफ द कैसल 2022 के लिए हमें यहां पर एक और नया मैच ऐड होते हुए दिखाई दे चुका है। तो ये कौन सा मैच है, तो इस थिंग के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो रसलमेनिया 39 के टिकट सेलिंग को लेकर डिटेल में अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर कितनी क्वार्टरली अर्निंग भी देखने को मिली है, तो इसको भी लेकर अपडेट देखने को मिली है। और केविन ओवेंस जो कि टाइटल मैच के लिए, टाइटल फ्यूड के लिए एक काफी बड़ा टीज ड्रॉप करते हुए दिखाई देते हैं। एंड ड्राफ्ट का हमें कौन सा डेट देखने को मिलेगा, इसको भी लेकर एक कंफर्म अपडेट देखने को मिली है। एंड और भी अच्छी खासी अपडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहां पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो ऑफकोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की बात कर ले, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है पीट डन की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि पीट डन अपने ट्विटर अकाउंट पे जो कि उनके एनएक्सटी डेज के फोटोज डालते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हमें पीट डन जो कि रिजोनाल के साथ में देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर पीट डन जो कि किक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हमें टीज देखने को मिल रहा है, ये इनके पुराने कैरेक्टर को लेकर है जो कि हमें पीट डन का देखने को मिलता था। पीट डन कैरेक्टर जो कि फिलहाल के टाइम पे बुज कैरेक्टर है, तो यहां पर हमें कैरेक्टर चेंजेस को लेकर एक और टीज देखने को मिल चुका है पीट डन की तरफ से, तो ओवरऑल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ऑल्सो यहां पर हमें हिट्रो को लेकर भी अपडेट यहां पर देखने को मिली है, जो हिट्रो फैक्शन हमें यहां पर इनका रिटर्न देखने को मिला है। ये फैक्शन हमें फेसी सुपरस्टार देखने को मिलने वाली है, यानी कि एक तरीके से ये बेबी फेस होने वाले, तो ये कुछ हमें यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिला है। एंड ऑल्सो रोंडा राउजी को भी लेकर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है। रोंडा राउजी अभी भी स्टिल इंटरनली लिस्टेड है, वो भी बेबी फेस सुपरस्टार्स के लिए, यानी कि रोंडा राउजी अभी भी हिल सुपरस्टार नहीं बनी है, उनको अभी भी इंटरनली लिस्टेड किया गया है बेबी फेस सुपरस्टार्स में। तो देखते हैं वैसे आने वाले समय में हमें उनका बेबी फेस वाला ही रूप देखने को मिलेगा, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे हरकतें जो हैं वो हील वाली होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो देखते हुए समय क्या थिंग देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनबैन वर्ड जो कि यूज़ किया गया, जिसके अंदर हमें प्रोफेशनल रेस्लिंग, प्रो रेस्लर्स एंड इसके बाद तो यहाँ पर फाइटिंग जैसे वर्ड यूज़ किए गए। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर यह भी वर्ड देखने को मिला जो बेल्ट का वर्ड देखने को मिलता था, चैम्पियनशिप बेल्ट का, तो ये वर्ड भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सारे वर्ड जो कि एक तरीके से अनबैन होते हुए दिखाई दे चुके हैं, एंड मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें इनका मेंशन भी देखने को मिलता है, तो सीधा सीधा क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये अब हमें अनबैन होते हुए दिखाई दे चुके हैं, जो कि ऑफकोर्स भाई ये भी काफ़ी बढ़िया बात देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है लियो रश की तरफ से। तो लियो रश जो कि अपने ट्विटर अकाउंट पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टीज करते हुए दिखाई देते हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर। सो लियो रश जो कि अपने ट्विटर अकाउंट पे बॉबी लैशली के साथ में एक फोटो डालते हुए दिखाई देते हैं, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर एक काफ़ी बड़ा टीज बताया जा रहा है। एंड ऑल्सो लियो रश हमें पहले देखने को मिलते थे जो कि बॉबी लैशली के साथ में, यानी कि उनके मैनेजर बनकर, तो ये कुछ हमें पर देखने को मिलता है। तो लियो रश की तरफ से ये काफी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग टीज देखने को मिल रहा है, और ये टीज हो सकता है डब्ल्यूडी रिटर्न को लेकर, और हो सकता है कि आने वाले समय में लियो रश में भी हमें डब्ल्यूडी के अंदर देखने को मिले। सो वैसे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या हमें इन फ्यूचर जो कि लियो रश डब्ल्यूडी के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर नहीं देखने को मिलते हैं। सो अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडी के इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो डब्ल्यूडी इन्वेस्टर यहां पर जो कि उनका ये कहना है कि वो थोड़े बहुत एक तरीके से कंफ्यूज है कि विंस विकमैन जो कि अपने स्टोरी डांस के ऊपर ज्यादा फोकस किया करते थे, क्या वैसा हमें ट्रिपल एच के टाइम पे देखने को मिलेगा, ट्रिपल एच भी जो कि स्टोरी डांस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ट्रिपल एच में भी हमें कुछ बड़े स्टोरी डांस को लेकर यहाँ पर डब्ल्यूडी के अंदर प्लान करते हुए दिखाई दे जाए, एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे जाए, तो ऐसे कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिसको इन्वेस्टर देखकर खुश होते हुए दिखाई दे जाए। तो इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बड़ी स्टोरी लाइंस और बेस्ट स्टोरी लाइंस भी देखने को मिल सकती है डब्ल्यूडी के अंदर, तो देखना ओवरऑल ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एजिक्विल की तरफ से। तो एजिक्विल को लेकर हमें यहाँ पर अपडेट ये देखने को मिली है कि एजिक्विल अब हमें कुछ दिनों तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक जो कि एजिक्विल हमें डब्ल्यूडी से बाहर दिखाई देने वाले हैं, और हो सकता है कि हमें बहुत दिनों बाद जाके हमें एजिक्विल का अलायंस के रूप में हो सकता है रिटर्न देखने को मिले। तो एजिक्विल अब इनका हमें कैरेक्टर खत्म होते हुए दिखाई देने वाला है। सो ऐसी कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में एजिक्विल हो सकता है कि अलायंस बनकर हमें
रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएं, इनका भी हमें रीपैकेज देखने को मिले। तो ओवरऑल भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अलायंस के लिए वो वाला कैरेक्टर एक बार फिर से वर्क करता है या फिर नहीं करता है। सो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि केविन ओवेंस की तरफ से। तो केविन ओवेंस जो कि आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर काफ़ी बड़ा टीज यहाँ पर ड्रॉप करते हुए दिखाई देते हैं टाइटल फ्यूड को लेकर, जो कि मैच के लिए, वो भी टाइटल के लिए। तो यहाँ पर केविन ओवेंस जो कि उनका सीधा सीधा कहना था कि क्लैश एट द कैसल के बाद हो सकता है कि वो टाइटल फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे जाएं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाएं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर क्लियर देखने को मिलता है केविन ओवेंस की तरफ से। वो क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि आने वाले समय में क्लैश एट द कैसल के बाद वो हमें टाइटल फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टीज ड्रॉप देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में केविन ओवेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का जो मैच देखने को मिला केविन ओवेंस का, ये हमें नो डीक्यू से खत्म होते हुए दिखाई दिया। तो आने वाले समय में ये हमें फ्यूड जो कि एक तरीके से टीज होते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर आने वाले समय में ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बनते हैं तो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस केविन ओवेंस की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई देखना ओवरऑल ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टरली कितना इनकम देखने को मिला है जो कि WWE का, इसको लेकर अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें नेट इनकम देखने को मिली है वो 49.1 मिलियन देखने को मिली है, एंड इसके बाद जो हमें ऑपरेटिंग इनकम देखने को मिली है वो 69.3 मिलियन देखने को मिली है, एंड इसके बाद जो हमें ओवरऑल जो इनकम देखने को मिली है वो हमें यहाँ पर 328.1 मिलियन देखने को मिली है, यानी कि 328.1 मिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली सेकेंड क्वार्टर में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासा इनकम देखने को मिला है WWE का। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो WWE फिलहाल के टाइम पे काफ़ी बढ़िया फायदे में देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है WWE के ड्राफ्ट के डेट को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूँ कि जेरो न्यूज़ की तरफ से एंड और भी सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि 9 सितंबर, तो 9 सितंबर का जो हमें शो देखने को मिलेगा जो कि स्मैकडाउन होगा, उस दिन हमें ड्राफ्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये लॉक हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है, यानी कि 9 सितंबर को हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद हमें एक और डेट देखने को मिला जो कि 5 सितंबर है, यानी कि 5 सितंबर को, अभी उतने कंफर्म नहीं है लेकिन 9 सितंबर को पूरा का पूरा कंफर्म है कि हमें इस दिन ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 5 सितंबर को भी देखने को मिले मंडे नाइट रॉ के अंदर, या फिर हमें 9 के बाद जो अगला मंडे नाइट रॉ देखने को मिले स्मैकडाउन के बाद, उसमें हमें ड्राफ्ट देखने को मिले। लेकिन जो 9 तारीख है, 9 सितंबर है, वो कंफर्म डेट है कि हमें उस दिन ड्राफ्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ हमें यहां पर इनसाइट्स की तरफ से कहना है, तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है रसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 के टिकट सेलिंग को लेकर। सो नाइट 1 की बात करें तो कैपेसिटी हमें यहां पर जो कि 50,532 यानी कि 50,532 यहाँ पर कैपेसिटी देखने को मिल रही है, और टिकट जो सेल हुए हैं वो 48,782 यानी कि 48,782 टिकट्स यहाँ पर सेल होते हुए दिखाई दे चुके हैं, और इनमें से अवेलेबल टिकट 1,750, एंड इसके बाद तो ऑल्सो हमें जो कॉम्बो टिकट्स देखने को मिलते हैं वो 4 टिकट बाकी है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो रसलटिक्स की तरफ से। तो ये हमें नाइट 1 को लेकर अपडेट है, एंड नाइट 2 में हमें यहाँ पर 50,532 वहाँ पे भी टिकट सेल हो रहे हैं, एंड यहाँ पर जो हमें टिकट सेल होते हुए दिखाई दे चुके हैं वो 49,443 यानी कि 49,443 टिकट सेल होते हुए दिखाई दे चुके हैं। अवेलेबल टिकट यहाँ पर हमें 1,089 यानी कि 1,089 टिकट यहाँ पर बाकी है, और कॉम्बो में 4 टिकट्स हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है नाइट 1 एंड नाइट 2 को लेकर, जो कि एक काफ़ी बड़ा मैसिव रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। 50,000 की कैपेसिटी में यहाँ पर हमें 49,048 टिकट जो हैं वो सेल होते हुए दिखाई दे चुके हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा मैसिव रिकॉर्ड है। तो भाई इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है भाई, रसलमेनिया नाइट 1, नाइट 2, रसलमेनिया 39 काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड देखने को मिलेगा। सोफी स्टेडियम इतना जल्दी हमें यहाँ पर सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे चुका है, जो कि काफ़ी बेस्ट न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है आज के मंडे नाइट रॉ की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पर क्वालिफाई मैच देखने को मिलेगा वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स का, अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का एंड इयो स्काई एंड डकोटा काई के बीच में। तो यहाँ पर आज हमें अलेक्सा ब्लिस एंड इसके बाद तो आस्का ये क्वालिफाई करते हुए दिखाई देती हैं, जो कि ब्रैकेट में आगे चले जाती हैं।
तो हमें अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस जो कि इयो स्काई एंड डकोटा का नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। एंड रिडल वर्सेस रॉलिंस का मैच जो कि क्लैश एट द कैसल के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, ये दोनों सुपरस्टार्स का हमें मैच देखने को मिलेगा क्लैश एट द कैसल 2022 में। एंड ऑल्सो केविन ओवेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का भी मैच देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, जिसमें उसोज अटैक कर देते हैं, नो डीक्यू से मैच खत्म हो जाता है। एंड ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला था। एंड डेक्स्टर लूमिस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर, बैक स्टेज में भी हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर फिर हमें रिंग साइड पर भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर डेक्स्टर लूमिस की भी हरकतें देखने को मिलती है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जो कि बॉबी लैशली और एजे स्टार्स का जो यूएस चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था, जहाँ पर बॉबी लैशली लास्ट में स्पीयर मारकर एजे स्टार्स को हराते हुए दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद जो थियरी हैं, थियरी वर्सेस जिगलर का हमें मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर थियरी जो कि डॉफ जिगलर को हराते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर ओवरऑल आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिला था। ओके सो अगली अपडेट की बात करें तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कैरियन क्रॉस एंड ब्रे वाइट की तरफ से। तो कैरियन क्रॉस यहाँ पर एक बार फिर से ब्रे वाइट का फोटो लगाते हुए दिखाई देते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जैसा कि आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसके अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें रोमन रेंस, कैरियन क्रॉस एंड यहाँ पर ब्रे वाइट भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक और टीज़ यहाँ पर हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है कैरियन क्रॉस की तरफ से। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके सो अगले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कोडी रोड्स की तरफ से। तो भाई कोडी रोड्स क्लैश एट द कैसल को लेकर यहाँ पर टीज करते हुए दिखाई देते हैं। तो WWE की तरफ से हमें एक पोस्ट देखने को मिलता है क्लैश एट द कैसल को लेकर, तो इसी के ऊपर आंखों वाला इमोजी डालते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स, जैसा कि आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ट्विटर अकाउंट के ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। तो ये कुछ हमें यहाँ पर कोडी रोड्स की तरफ से भी ट्वीट देखने को मिल रहा है। तो देखते वैसे हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सही में कोडी रोड्स वहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे, तो देखना ओवरऑल ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इन सारी थिंग्स के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वेल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो ऑफकोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके सो फिर मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।